अस्सलाम वालेकुम सामीन। 30 मुहर्रम हराम और 6 अगस्त है। खबर का उनवान है यूपी पुलिस का बड़ा कमाल। एक नौजवान को फंसाने के लिए उसकी कार में पिस्तौल रखा। इत्तेफाक से सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया। किसी ने वीडियो बना ली। इस मामले में कई पुलिस वाले मुअत्तल हो गए हैं। मामला मगरब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है। खबर थोड़ी तफसील सुनिए। बुलंदशहर से एक वीडियो गुज़िश्त दिनों वायरल हुआ था, जिसमें एक नौजवान की कार को रोक कर पुलिस वाले ने उसमें पिस्तौल रख दिया और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब इस मामले में पुलिस अफसरान ने वाकये में शामिल पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। अफसरान ने 24 घंटे पहले सहाफ़ियों को बताया कि एक नौजवान को झूठे मामले में फंसाने के लिए उसकी कार में पिस्तौल रखने के इल्ज़ाम में 4 पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नौजवान अमित के पिता दिनेश कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि 21 जुलाई को उनका बेटा एक समारोह में से वापस आ रहा था। इस दौरान कुछ पुलिस वालों ने बाजार में उसकी कार रोक ली और ज़बरदस्ती उसमें पिस्तौल रख दी। इसके बाद पुलिस वालों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। ये पूरा वाकया बुलंदशहर के शिकारपुर थाना इलाके में हुआ है। इस वाकये का एक मुबैना वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले मोटरसाइकिल से हथियार निकाल कर कार में रखते नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अफसरान ने बताया कि वीडियो में देख रहे हैं कि पुलिस वाले सीनियर अफसरान ने फौरी तौर से इनको मुअत्तल कर दिया है। मामले में कस्बा चौकी इंचार्ज और 2 हेड कांस्टेबल भी शामिल हैं। इस वाकये बारे में इत्तला देते हुए पुलिस कप्तान जराइम राकेश कुमार मिश्रा ने सहाफ़ियों को बताया कि शिकारपुर के थाना इंचार्ज, कस्बा चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वीडियो में दिख रहे 2 होमगार्ड के ताल्लुक से एक अलग रिपोर्ट भेज दी गई है। पुलिस वालों को मुअत्तल करने के बाद पूरे मामले की जाँच भी करवाई जाएगी। इसके बाद जाँच रिपोर्ट सीनियर अफसरानों को भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि इस वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है और लोगों में इश्तियाल है।